हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप आईआईटी जेएम या किसी और यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी, जो चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए आप एमएससी एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो मैथमेटिक्स से, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए, क्योंकि सभी में क्वेश्चन एक ही तरह के पूछे जाते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर माइनस फाइव एक्स डिवाइड डी एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू जीरो, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा, 5-6 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं या जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ आधा मिनट का क्वेश्चन है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन करते हैं हम यहां से। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सिंपली लेट एक्स बराबर ई टू द पावर जेड या जेड बराबर लॉग एक्स, ये एज्यूम करते हैं। जब ये एज्यूम करते हैं तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे लेक्चर्स में ये पढ़ा भी था, जब ये एज्यूम करते हैं तो हमारे पास सिंपली जो जहां पर भी डी एन अपॉन डी एक्स एन हो वो चेंज हो जाता है हमारे पास डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस एन प्लस वन वेयर डी बराबर डी ओवर डी जेड, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वो चेंज हो जाता है जेड में। तो इस तरह से जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास चेंजेस आते हैं। ये हमने जनरल मेथड्स के पढ़े हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, जनरल मेथड इसके मिल जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स में, ये हमारे पास है। अब जब हम ये पुट करते हैं तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं हमारे पास। तो इसको देखें, और यहाँ पे एक्स टू द पावर एन भी होता है शामिल, आगे एक्स टू द पावर एन भी होता है फ्रेंड्स इसमें। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी डी माइनस वन इसको, और अगर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को देखें तो माइनस फाइव डी प्लस नाइन वाई इक्वल टू जीरो, जहां पे डी बराबर जो है वो है डी अपॉन डी जेड, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर माइनस डी, और ये हो जाएगा माइनस डी और प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस सिक्स डी प्लस नाइन वाई इक्वल टू जीरो। अब फिर ये आ गया हमारे पास। तो अब यहां से अगर डी के हम फैक्टर निकालना चाहें तो डी के फैक्टर किस तरह से निकाले जा सकते हैं, तो इसको देखें तो डी माइनस थ्री का होल क्यूब है, तो ये हो गया हमारे पास यहां से डी माइनस थ्री का होल क्यूब इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये हो गया। तो एक्सलर इक्वेशन, इसके बाद हम एक्सलर इक्वेशन डिफाइन करते हैं। बेसिकली जब हम एग्जाम में इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक्सलर इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, सिंपली हम डी माइनस क्यू और डी बराबर थ्री निकाल लेते हैं, जो कि एम की वैल्यू होती है। तो यहाँ एक्सलर इक्वेशन अगर देखें तो एक्सलर इक्वेशन जहां पे भी डी है वहां पे एम पुट कर देते, एम माइनस थ्री का क्यूब स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो गया एम बराबर थ्री थ्री। तो यहां से हम सी एफ लिख सकते हैं वाई बराबर, क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो सी वन प्लस सी टू जेड, क्योंकि जेड यहां वेरिएबल है, जेड और ई टू दी पावर थ्री जेड, ये हो गया। बट जेड बराबर क्या है, जेड बराबर क्या है, लॉग एक्स, जेड बराबर लॉग एक्स है। जेड बराबर लॉग एक्स वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास यहां से आ जाएगा सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स एंड ई थ्री, और ये लॉग एक्स। तो ये हो गया हमारे पास सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स क्यूब। तो ई टू द पावर लॉग एक्स क्यूब हो गया एक्स क्यूब, ये हमारे पास आ गया। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन कहां पर है हमारे पास, सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स डॉट एक्स क्यूब, यानी ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन जो है
ये करेक्ट आंसर है इसका। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे एग्जाम हमारे हर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।